हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गाड़ी को पांचवें गियर पे कैसे चलाना है। देखो, कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गाड़ी 20 तक पहले गियर, उसके बाद 40 तक दूसरा गियर, उसके बाद 60 तक तीसरा गियर, 80 तक चौथा गियर, और पांचवा गियर है 80 से ज़्यादा स्पीड के लिए, 90 और 100 की स्पीड है, यानी 100 किलोमीटर घंटा या 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके लिए आपको पांचवें गियर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इस काम के लिए आप अपने बेल्ट को लगा लीजिए सेफ्टी के लिए। सेकंड, हम देखेंगे कैसे हमने गियर शिफ्ट करना है। अब शिफ्टिंग का देखो, यहाँ देखिए, देखो ये क्लच है। सबसे पहले आप पहले गियर पे थे, धीरे इसको छोड़ा, पहले गियर पे हो गए, फिर क्लच दबाया, दूसरे गियर पे आ गए, फिर क्लच छोड़ा, स्पीड इंक्रीज की, फिर इस गियर को मैं तीसरे गियर पे ले आया, क्लच आपने छोड़ दिया, स्पीड इंक्रीज़ की, स्पीड कम करके ब्रेक हल्की सी लगा के आपने चौथे गियर पे लेके आए। अब आपकी स्पीड 80 की होनी चाहिए, क्लच छोड़ दिया, 80 की स्पीड में जा रही हो, उसके बाद 80 से भी ज़्यादा करना है, हल्की सी स्पीड जो है आप कम करके ब्रेक लगा के हल्की सी हल्का सा ये आप एकदम पांचवें गियर में डाल दो, क्लच धीरे धीरे आप छोड़ दो और स्पीड इंक्रीज करो, तो आपकी 80 से ज़्यादा 90 और 100 की स्पीड हो जाएगी। इंजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी। यहाँ पे देखिए, ये मैंने गाड़ी पीछे भी देख दिया, ये मैं गाड़ी चला रही हूँ, और काफ़ी बार मैं पीछे देख रहा हूँ, चल रही है। अब मैंने चौथा गियर डाल दिया, से प्यारे दोस्तों आप पांचवें गियर पे गाड़ी चला सकते हो। ओके, थैंक यू।